बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहद अली वीडियो के जानिब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा होता, इसकी आज पूरी रीज़न मैं आपको बताने लगा हूँ। स्क्रीन आप लोगों के सामने यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपके पास टाइटल, ये जब आप वीडियोज़ को वीडियो की अपलोड करने लगते हो ना, तो उसके बाद आपके पास ये वाला पेज आता है। इस पेज के अंदर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एड कार्ड्स एंड स्क्रीन्स और आपकी प्लेलिस्ट और ये इट्स नॉट फॉर किड्स, ये वाली चीज़, और उसके बाद टैग्स, टैग्स के नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पे लसेंस और लोकेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी वीडियोस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो ना, और वो भी अच्छे तरीके से, तो 100 में से 60% जो काम है वो आप यहाँ पे कर रहे होते हो। और अगर ये काम आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जरूर रैंक कर रही होगी, इस बात की गारंटी है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप वीडियो को अपलोड करते हो, यहाँ पे आप लोगों के सामने बटन आता है क्रिएट का, और यहाँ पे आपके सामने आता है अपलोड आ वीडियोस, अपलोड वीडियोस, और यहाँ पे आता है सिलेक्ट फाइल। और जब आप वीडियो को अपलोड करते हो तो अपलोड करने के बाद आपके पास कुछ ये वाले, ये जो एरिया ये आ जाता है। अब इसको कैसे मैनेज करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई, अपने लेफ्ट साइड पे स्पेस है, तो जो जो मैं काम करूँगा यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नजर आएगा बड़े अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने लिखा हुआ है टाइटल, और ये मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा एंड पे आपको, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ फ्रेंड आप लोगों के सामने है टाइटल। अब टाइटल हमेशा याद रखिएगा, टाइटल क्या होता है, टाइटल एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई बेसिकली है तो वीडियो, लेकिन मैं एग्जांपल के देने के लिए आपको ये समझा रहा हूँ कि टाइटल बेसिकली एक ऐसा जुमला या ऐसा फिक्रा या जो भी कह लें उसको, ऐसी चीज है जो कि आपकी प्रोडक्ट को, आपकी वीडियोस को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो टाइटल ऐसी ये होता है, और टाइटल में आपने तकरीबन 100 करेक्टर्स के वर्ड्स रखने होते हैं। 100 करेक्टर्स का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ ना हाउ, हाउ का मतलब हाउ, हाउ में तीन करेक्टर्स आ रहे हैं HOW, तो ये तीन करेक्टर्स बन गए। तो इस तरीके से आपके पास 100 करेक्टर्स की ऑप्शन होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो ऑप्शन आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 100 करेक्टर्स की यहाँ पे, और मेरे पास जो करेक्टर्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं वो है 99 यहाँ ये वाले, और एक करेक्टर अभी फ्री है मेरे पास, मैं अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वरना मेरी मर्जी है। उसके बाद फ्रेंड्स टाइटल का आपको समझ आ गई। अब टाइटल में जो टाइटल रखना है ना आपने, वो कैसे रखना है वो मैं आज को बताता हूँ आपको, और 100% इस बात की गारंटी है कि ये जो वीडियो है ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले अपनी तसल्ली कर ली है। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टाइटल की। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है हाउ टू ग्रो मेकअप YouTube चैनल, उसके इधर आ गया है पाइप साइन आप लोगों के सामने है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने लिखा हुआ है ग्रो आ ब्यूटी यूट्यूब चैनल, फिर अगेन पाइप साइन आ गया, और फिर मैंने लिखा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकअप। तो यहाँ पे जो आपका टाइटल होता है ना, वो आपने करना कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, आप यूट्यूब की किसी भी कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो बनाने से, यानी कि वीडियो को जब आप अपलोड करोगे, अपलोड करने से पहले आपने एक काम करना है, वो ये है कि अगर आपने मेकअप किया, मैंने ये वीडियो जो बनाई है ये है ग्रो मेकअप चैनल, तो मैंने पहले इसके ऊपर सर्चेस की हैं, तो आपने भी ये करना है, जो आपने काम करना है उसको क्या करना है, आपने एक दफा वीडियोस के ऊपर जाके, अपने यूट्यूब पे जाके वीडियोस को देखना है कि उन्होंने कैसे काम किया हुआ है और उनका टाइटल कैसे है। अब वो टाइटल आपने उठा के अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या फिर नोट पैड के अंदर, अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यहाँ पे, अभी आ जाएगा आप लोगों के सामने है ये चीज, ये कंप्यूटर की मैं बात करने लगा हूँ आपसे, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, ये मैंने क्लिक किया और आप लोगों को सीन करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली ऐसा ऐसे काम होता है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
इसके अंदर आपने कैसे काम करना होता है वो भी आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आपने करना क्या, मैं इसको बंद कर रहा हूं, आपने नोट पैड ओपन कर लेना है। तो मेरे पास नोट पैड भी है, यहां पे आप देख सकते हो ये नोट पैड होता है, यहां पे आप इस तरह कुछ ना कुछ लिख सकते हो। मोबाइल में भी आपके पास नोट पैड आ जाता है। अगर आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं है तो आपने प्ले स्टोर पर जाके 360 वर्ड लिखिएगा तो 360 से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने ये करना है, जो टाइटल है बेसिकली वो किसी वीडियो पे से उठा लेना और अपने वर्ड में जाके पेस्ट कर देना है। जब आप इसको पेस्ट कर दोगे फिर आपने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है। वो क्या चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने करना कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हाउ टू ग्रो और फिर ग्रो, ये तीन है, 1, 2 और ये 3, और बीच में इनके लगाया हुआ पाइप साइन। तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, आपने हाउ टू ग्रो जो भी आपका काम है या जो भी आप पहले अपना एक कीवर्ड्स बनाओगे और इस कीवर्ड्स को नाम दोगे प्राइमरी और इस सेकंड वाले कीवर्ड्स को नाम दोगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बनाओगे और बीच में आप लगा दोगे पाइप साइन तो ये आपका एक टाइटल क्रिएट हो जाएगा। टाइटल क्रिएट होने के बाद आपने फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से करना है कि आपने अब लिखनी है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये मैंने तकरीबन 5 से 7 या 8 मेरे ख्याल लाइंस की डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखनी है ना वो कुछ कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रेलिवेंट चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऊपर क्या लिखा था, हाउ टू ग्रो मेकअप यूट्यूब चैनल, और अब मेरी डिस्क्रिप्शन में आप देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड यूज किया हुआ है, हाउ टू मेक, सॉरी मनी को काट दें आप, हाउ टू मेक, तो हाउ टू इसमें से मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेकअप भी यूज हो रहा है और ब्यूटी टाइटल में है और डिस्क्रिप्शन में भी ब्यूटी है, यूट्यूब ऊपर भी है टाइटल में, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल ऊपर भी है टाइटल में, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी है ब्यूटी, और ये देखें ग्रो, ग्रो डिस्क्रिप्शन में भी है, ग्रो हमारा टाइटल में भी है। तो कहने का फ्रेंड यूट्यूब, ये यूट्यूब है और यहाँ पे ये यूट्यूब वर्ड यूज हुआ हुआ है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपने तकरीबन 5 से 8 लाइने जितना मैक्सिमम हो सके आप इसको डिस्क्रिप्शन को लिखो। लिखने के अंदर आपने क्या करना है, जो आपके प्राइमरी, ये जो प्राइमरी आपके टाइटल था और सेकेंडरी था कीवर्ड्स, इनको आपने यहां पे इस डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में इस्तेमाल करना है। तो ये आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिकली काम कर रहे हो चीजें, ठीक है। ये काम करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, मैं आपको ये चीज बता दूं, आप यहां पे आप देख सकते हो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की हुई है, द मेन पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको करना चाहो तो ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। इससे YouTube को एक सिग्नल जाता है कि इस बंदे ने इस टॉपिक के ऊपर कवर किया हुआ है, इस टॉपिक के अंदर इसने वीडियोस को बनाया हुआ है। तो ये काम करना है, तो सबसे पहले आपने जो काम करना था वो क्या था, टाइटल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपने काम करना था क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन आपने इस तरीके से लिखनी है कि आपका जो टाइटल में जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो आपके पास नजर आना चाहिए। तो ये मैंने इतने हिस्से में लिखी है क्या, डिस, ये मैं लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं आता हूं नीचे और आप लोगों के सामने आपको दिखाता हूं कि उसके बाद आपने क्या करना होता है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने हैश टैग्स लिखने होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन खत्म होगी उसके बाद आपने लिखना होता है हैश टैग्स। हैश टैग क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा सर्चेज हो रही थी, हैश टैग लगा के लोग सर्च करते थे, तो यूट्यूब ने भी एक पॉलिसी हमारे लिए, मतलब एक ऑप्शन निकाल दी कि आप भी हैश टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पहला प्राइमरी जो टाइटल था वो क्या था, आप लोगों के सामने है, आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे दोबारा, और हाउ टू ग्रो मेकअप यूट्यूब चैनल, दूसरा क्या है ग्रो अ ब्यूटी चैनल, तीसरा क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स। अब इसी टाइटल को आपने उठा के हैश टैग में यूज कर देना है, ये आपकी मर्जी है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, ये कोई ये ऑप्शनल चीज है आपके लिए, ठीक है। आप कर दोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तब आपकी मर्जी है, लेकिन करना चाहिए। तो आप देख सकते हो पहला हैश टैग क्या है, हैश टैग जो होता है ना विदाउट एनी स्पेस होता है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं होती।
तो हाउ टू ग्रो मेकअप चैनल, और दूसरा क्या है ग्रो ब्यूटी चैनल, तीसरा क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकअप गर्ल्स का मैंने इजाफा कर दिया। तो तीन मैंने हैशटैग लगे हैं, और इसका फायदा क्या होता है, ये वाले जो हैशटैग होते हैं ना फ्रेंड, ये क्या होता है जब आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख देते हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपके टाइटल में जाके शो हो जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आपके पास टाइटल में जाके शो हो जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ये विद प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि मैं इसकी वीडियो को प्ले करने लगा हूँ, आप लोगों के सामने है, और ये मैं इसको करता हूँ पॉज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही मेरा टाइटल है, ये वाला हाउ टू ग्रो मेकअप यूट्यूब ब्यूटी और टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये वो टाइटल है, ये जो हैशटैग है ये वो टैग्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखने के लिए ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ से शो मोर का बटन प्रेस करो तो आपके सामने ये वो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ जाएंगे, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि ऊपर टाइटल्स में आपको नजर आ रहे हैं। तो हैशटैग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको करना लाजमी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे, ये अभी मैं डिस्क्रिप्शन की ही बातें कर रहा हूँ आपसे, अभी कहीं नहीं गया। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पहले डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद हैशटैग लगा दिए, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना होता है फ्रेंड वो ये होता है कि आपने अपने चैनल के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लिखनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आई नीड योर सपोर्ट प्लीज, वेलकम टू फहद अली वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर किस लिए, अडोब फोटोशॉप ऐप सॉफ्टवेयर गैजेट रिव्यू अनबॉक्सिंग मोबाइल कंप्यूटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन टिकटॉक व्हाट्सएप टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये बड़ा काम आप कर सकते हो, और ये जो काम आपने करना है ये एक दफा करना है, जब आप अपलोड डिफॉल्ट की जो सेटिंग होती है ना चैनल की, वहां पे जाके आप करोगे या ऑटोमेटिकली हर वीडियो के अंदर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने जो काम करना है फ्रेंड्स वो ये करना कि आपने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिंक्स भी कुछ लगाए हुए हैं और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो ये आपने लिंक्स भी लगाने और ईमेल एड्रेस भी देना है, ठीक है, ये भी आपने काम कर लिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आपने जो इसके अंदर जो और काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने अपनी ही वीडियो में रिलेटेड वीडियोज का इस्तेमाल करना है, रिलेटेड वीडियोज यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये काफी ज्यादा वीडियोज आ रही है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ, तो ये मैं लिंक ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिलेटेड वीडियोस मेरी आ रही है, यहाँ से शो हो रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब है अगर किसी वीडियो वाले को जो बंदा देख रहा है उसको अच्छी लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी मेरी रीड करेगा, और हो सकता है वो किसी ना किसी वीडियो पे क्लिक कर ले और मुझे एक लिंक मिल जाए और एक यूजर मिल जाए और एक व्यूज मिल जाए या कुछ भी आप उसको कह लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आपने तीन चार चीजें लाजमी लगानी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऑप्शन आ रही है एंड स्क्रीन की। एंड स्क्रीन जो होती है ये चीज होती है कि आप एंड स्क्रीन के ऊपर अलग से एक वीडियो पड़ी हुई है मेरी, वो आप सीन कर सकते हो एंड स्क्रीन के अंदर, यानी कि जब आप मेरी ये वीडियो खत्म होने लगती है तो लास्ट 15 सेकंड के अंदर एंड स्क्रीन आ जाती है, उसमें एक सब्सक्राइबर का बटन नजर आ रहा होता है और एक अदर कोई वीडियो नजर आ रही होती है। कार्ड्स का मतलब ये होता है कि अक्सर आपने देखा कि आप मेरी वीडियोज देख रहे हो तो लेफ्ट साइड पर ऊपर आई का बटन होता है, तो उसको आप कार्ड्स कहते हो, तो इसको भी आपने याद रखना है कि इंसर्ट करना है। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आती है वो आती है फ्रेंड्स प्लेलिस्ट की। तो प्लेलिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है काफी ज्यादा, तो ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब क्वेश्चन आंसर लाइव सेशंस, तो ये वीडियोस मैंने बनाई हुई है, तो आपको चाहिए प्लेलिस्ट लाजमी क्रिएट करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन आती है यस इट्स मेड फॉर किड्स, और उसके बाद नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपने क्या करना है हमेशा से नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स के ऊपर क्लिक करना है और यस पे नहीं करना। अगर आप यस पे करोगे तो यूट्यूब समझेगा, यूट्यूब को सिग्नल ऐसा जाएगा कि आपकी जो वीडियोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हैं, किड्स के लिए हैं, तो जबकि आपकी वीडियो किड्स के लिए है नहीं तो वो इस पे एड्स भी मुश्किल से दिखाएगा और एड्स भी वो दिखाएगा जिसमें कोई इतनी कोई इनकम नहीं होगी, तो आपने हमेशा नो करना है। उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बटन आता है जिसको आप कहते हो टैग्स, और ये जो टैग्स यहां से लेकर यहां तक होते हैं, और इस टैग्स के अंदर आप 500 करेक्टर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड, जब आप ये बेसिकली टैग्स हैं, हाउ टू ग्रो मेकअप चैनल
ब्यूटी ग्रो आप ब्यूटी यूट्यूब चैनल, ये सारे टैग्स मैंने लगाए हुए, इन टैग्स की बिहाफ पे आपका यूट्यूब चैनल ऊपर रैंक पर आता है। अब इसको लगाने का तरीका फ्रेंड्स ये होता है कि आपने क्या करना है, हर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर आपको वर्ड की फाइल ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हर टैग्स के अंदर एक कोमा लगाया हुआ है छोटा सा, यहाँ पे आप देखो ये कोमा लगा हुआ है, कोमा यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो टैग्स के अंदर आप टैग्स जहाँ खत्म होगा उसके आगे आपने कोमा लाजमी लगाना है। जब तक ये कोमा नहीं लगेगा तो YouTube को सिग्नल नहीं जाएगा कि ये अलग ये कीवर्ड्स खत्म हो गया। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे कीवर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कोमा लगाने से ये पता लगेगा। अगर आप कोमा नहीं लगाओगे, एकदम कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये एक ही कीवर्ड्स बन जाएगा, टैग्स बन जाएगा, तो ये आपने काम नहीं करना। उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आती है कि आप वीडियो लैंग्वेज आपकी उर्दू होगी अगर आप उर्दू में काम कर रहे हो, टाइटल भी आपका अगर आप इंग्लिश है उर्दू है जो भी है, कैप्शन हमेशा नन होती है। उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट होती है, रिकॉर्डिंग डेट आज अगर आपने ये रिकॉर्डिंग की है एक हफ्ता पहले तो आप यहाँ पे आप दे सकते हो, इसका कोई मसला नहीं, जितने मर्जी जैसे मर्जी दे सकते हो। लाइसेंस आपके पास हमेशा स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड पे आपने लाइसेंस रखना होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवन है आपकी और यही रखते हैं, और वीडियो लोकेशन नन होती है। वीडियो लोकेशन आप यहाँ पे खुद से मैन्युअली दे सकते हो, मैं आपको दे के दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं जिस भी कंट्री को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान को करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं पाकिस्तान दे दूंगा। लेकिन फिर इसका नुकसान क्या होगा, ये उन यूजर्स के लिए होती है जो कि सिर्फ टारगेट लोकेशन मैटर करती है जिनके लिए, तो मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ कहीं से भी यूजर है, तो मैं वीडियो लोकेशन को हमेशा नन रखता हूँ। अब जब अगर मैं ये वीडियो लोकेशन को ऑन कर दूं, तो वीडियो लोकेशन जब मैं अगर ऑन कर दूंगा ना, ये यहां से मैं ऑन अब मैंने कर दिया, अगर मैं यहां से सेव कर दूंगा तो होगा क्या कुछ, मैं आपको वीडियो पे लाइव करके दिखाता हूं। तो होगा कुछ इस तरीके से कि ये जो हमारे टाइटल मैंने दिए है ना, ये वाले टाइटल, सॉरी ये हैशटैग जो मैंने दिए हैं, हैशटैग यहां से खत्म हो जाएगा और यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा पाकिस्तान लोकेशन। तो मैं तो एक मतलब मैं देना ये समझता हूँ कि हैशटैग, अब आपकी मर्जी है आप इसको कैसे मैनेज करते हो, चीज़ आपको अंडरस्टैंड मैंने करवा दी है तो आपको इस तरीके से ये काम करना होता है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो हम कहते हैं ना कि हमारी वीडियोस टॉप पे नहीं आ रही, हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे पास सब्सक्राइबर हासिल नहीं हो रहे, उनकी सारी वजह यूट्यूब की और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आपकी और यूट्यूब की या किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। लेकिन आप अच्छा काम करोगे आपको रैंक यूट्यूब डिफाइन करेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, आप अक्सर टाइटल गलत लिखोगे, डिस्क्रिप्शन गलत लिखोगे, तो आपका काम मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल दिखाई ना फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल ऑन मोबाइल एंड अर्न मनी 2021 और है ये लिखा हुआ है। अब ये वीडियो अपलोड नहीं की मैंने, लोग क्या करते हैं वीडियो भरते रहते हैं, और आप यकीन करो ये जो वर्ड की फाइल है ये तकरीबन 2 हफ्ते से बनी पड़ी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला और मैंने इसकी थंबनेल भी बना ली है, ये देख सकते हैं आप, ये थंबनेल आपके सामने पड़ी हुई है, 2021 में मोबाइल से यूट्यूब चैनल बनाने का मुकम्मल तरीका, चैनल बनाओ और पैसे कमाओ, ये देखो ये मैंने थंबनेल बना के रखी है, लेकिन टाइम की वजह से वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो ये देखे मैंने बना के रखी है। तो आपने क्या करना है, वीडियो बनाने से पहले सोचना है समझना है कि आप एक्चुअली क्या करने वाले हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइबर करने में कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।